नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवा रोड पर स्थित एक फ्लैट लेकर के आया हूं, जो कि 3 BHK फ्लैट है और प्राइस मैं आपको बीच में कहीं पर रिवील कर दूंगा। तो इसीलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस मैं आपको बताऊंगा, फुल्ली फर्निश्ड का प्राइस बताऊंगा और बिल्कुल फ्लैट प्राइस जो है मैं आपको बताऊंगा। जीडी एयरपोर्ट बना हुआ है और ये मंगलम सिटी गोविंद सरोवर के अंदर स्थित है। पानी और सीवरेज की बात करूं तो पानी के लिए यहाँ पर टैंकर आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि 300 या 350 रुपए का कॉस्ट रहता है। और सीवरेज की अगर बात की जाए तो सीवरेज की लाइनें यहाँ पर डली हुई है। मेन रोड से अगर डिस्टेंस की बात करूं कालवा रोड से तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन से बात करूं तो 15 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से आपको पड़ जाता है। और सभी प्रकार की एमिनिटीज आपको बहुत ही नियर मिल जाती है। अब मैं आपको अंदर से सारा इसका जो है दिखाने वाला हूँ, किस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा, किस तरीके के रूम्स है और किस तरीके की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे आपको इस तरीके का डोर दिखता है और यहाँ पर सनमाइका का यूज किया गया है, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी आपको दिखती है। अब हम लोग आ गए हैं इसके हॉल के अंदर। हॉल की अगर बात की जाए तो हॉल का साइज का सेट काफी डिसेंट आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना लिविंग प्लस आपका डाइनिंग एरिया दोनों ही यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। सामने की साइड में काफी बड़ा एक विंडो दिया गया है, विंडो का साइज काफी यूज है, जहाँ से प्रॉपर्ली सनलाइट और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होता रहेगा। सामने की साइड में आप देखते हैं काफी अच्छा टेक्सचर डिजाइन आपको दिया गया है। ऊपर की साइड से डिजाइन काफी डिफरेंट तरीके का सीलिंग डिजाइन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो फैन है आपको लगा करके दिया गया है, स्विचेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं ऑल चीजें सब कंपनी की आपको लगा करके दी गई है। और का साइज काफी अच्छा काफी डिसेंट मिल जाता है। सामने की साइड में आपको सीट मिल जाता है जहाँ पर इसलिए मैं हैंड वॉश वगैरह तक रखेंगे। और यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए लगा करके दिया गया है। यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर जो है आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। किचन का साइज की अगर बात करूँ तो लगभग किचन का साइज जो है 8x6 का साइज मिल जाता है। चिमनी यहाँ पर लाइट रोड पर लगा करके दी गई है और काफी सारी कैबिनेट है, वहाँ से आपको ऑप्शन मिला जहाँ से आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहेगा किचन के अंदर। यहाँ पर नीचे की साइड में काफी सारे कैबिनेट्स बना करके दिए गए हैं, जो भी किचन से रिलेटेड आइटम है वो यहाँ पर आप रख पाएंगे। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसमें बेडरूम की ओर। बेडरूम की अगर साइज की बात करें तो लगभग 11x10 का साइज यहाँ पर आपको बेडरूम का मेन मिल जाता है। हाइट काफी अच्छी है, पैर लगा करके दिया गया है। सामने की साइड में काफी एक अच्छा टेक्सचर डिजाइन है। इस साइड में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ी विंडो है, विंडो से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन आपका हो रहा है। ये आपका जो है अटैच में बाथरूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाथरूम का साइज काफी डिसेंट सा साइज आपको मिल रहा है, साथ ही साथ टाइल्स का भी टाइट तक लगा करके दी गई है। काफी हाइट तक हाइट जो है इसकी काफी अच्छी है, साथ साथ वेंटिलेशन और सनलाइट का ऑप्शन यहाँ से आपको प्रॉपरली मिल जाता है। यहाँ पर जो है वेस्टर्न टॉयलेट आपको दिया गया है, इसमें अटैच आपको बालकनी दी गई है। बालकनी के साइज की बात करूँ तो बालकनी का जो साइज है 9x4 का साइज यहाँ पर आपको बालकनी का मिल जाता है। आसपास का सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं, सभी जगह विलास वगैरह बने हुए हैं और सभी जगह जो है फ्लैट्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। काफी डेवलपिंग एरिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि कालवा रोड काफी डेवलपिंग एरिया है। यहाँ पर काफी सारी फैमिली जो है शिफ्ट हो चुकी है, काफी समय से रह रही है और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ उसका कॉमन बाथरूम का साइज की बात करूँ तो 6x9 का साइज यहाँ बाथरूम का मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडियन टॉयलेट है, साथ साथ वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट का ऑप्शन वहाँ से आपको मिल जाता है। टाइल्स काफी हाइट तक है और बाथरूम की हाइट भी काफी अच्छी यहाँ पर दी गई है। अब मैं आपको लेकर दे चलता हूँ सेकंड बेडरूम की ओर। बेडरूम का साइज फिर से 11x10 का साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की साइड में काफी बड़ी एक विंडो है और इस साइड में टेक्सचर डिजाइन काफी जबरदस्त सा टेक्सचर डिजाइन आपको मिल रहा है। यहाँ देखिए काफी बड़ी विंडो मिल जाती है, सॉरी यहाँ पर आपको काफी बड़ा जो है वार्डरोब मिल जाता है। वार्डरोब का साइज काफी यूज है, जहाँ पर आपका सामान काफी स्पेसेस है, जहाँ पे भी आपका सामान आप बहुत ईजी रख पाएंगे। स्लैब जो है स्टोन की अलग से दी गई है। हैवी से हैवी जो भी आपका लगेज है यहाँ पर रखेंगे। प्राइस में आपको बता दूँ मात्र 21.5 लाख रुपए में फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलने वाला है। जेडीएफ रूट है, 100% लोन, 100% लोनेबल प्रॉपर्टी है, 100% लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन होगा, बाकी जो ये बिल्डर की प्रॉपर्टी है उस पर आपको 100% लोन हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ थर्ड बेडरूम की ओर, जहाँ पर कि आपको काफी अच्छे स्पेस मिल जाएगा और साथ साथ पीछे की साइड में काफी बड़ी विंडो है, जहाँ से प्रॉपर्टी सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। ये देखिए सामने की साइड में देखिए काफी बड़ा विंडो है, तो प्रॉपर्टी सनलाइट और वेंटिलेशन और काफी अच्छा एक्स्ट्रा डिजाइन। ऊपर की साइड में आपको फैन लगा के दिया गया है, जो कि विंडो का फैन है और विंडो के स्विचेस यहाँ पर मिल जाते हैं। अलमीरा यहाँ पर आपको मिल जाती है, साइज काफी अच्छा है अलमीरा का भी, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर आपका सामान रख पाएंगे और यहाँ पर कोई भी आपको छोटे डिजाइन नहीं किया गया है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन बता दी है, कॉलेज या फिर स्कूल की बात करूँ तो बहुत ही नियरेस्ट मिल जाता है। यहाँ से पीछे की साइड पर टेक्नोलॉजी आ जाता है
और काफी नाम है देवघर से, आप जानते हैं सभी प्रकार की एनर्जी बहुत ही नियरस्ट है। और रूम की बात की जाए तो रूम भी आपको हो जाएगा, सारी चीजें मैंने आपके साथ साझा कर दी है। और ये 3 BHK फ्लैट मात्र 21.5 लाख रुपए फुल्ली फर्निश्ड, आप इसे अपना बना सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट प्राइस है। अगर आप इसे अपना बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बैठ करके आपको नंबर मिल जाएगा, वहां जाकर के अपने कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ घर बैठे घर से रूम सिखाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो वहां जाकर उसे फॉलो कर लीजिए। आज और अभी के लिए नहीं, फिर से मुलाकात होगी तो नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।